एक अभी सवाल मैंने कल परसों पढ़ रहा था कि आईएम को पहले ऑटोनॉमी थी अपना चेयरमैन प्रेसिडेंट चुनने का, उसमें कुछ आप लोगों ने कुछ लगाया, इसमें क्या है कि अब सरकार से पूछना पड़ेगा दोबारा से? ना ना, ऐसा नहीं है। देखिए 2018 तक आईआईएम एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनको अधिकार नहीं था, वो एक डिग्री दे पाएंगे। वो सर्टिफिकेट कोर्स चलाते थे, डिप्लोमा के कोर्स चलाते थे, डिग्री नहीं दे पाते थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने आईआईएम एक्ट 2018 लेके आए। उस समय में जो एक्ट हम लेके आए और आज थोड़ा उसमें हमने अमेंडमेंट किया है, 3-4 साल का अनुभव आया कि इनकी डायरेक्टर और उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चयन करने की प्रक्रिया हम देश में एक स्टैंडर्ड्स करनी चाहिए, जैसे आईआईटी का है, जैसे एनआईटी का है, आईआईटी भी उतने ही बड़े अच्छे ब्रांड है, जैसे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी जिस प्रक्रिया से अपने डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ चेयरमैन को चयन करते हैं, ऐसे ही प्रक्रिया में हम आईआईएम को भी लेके आए कि यूनिफॉर्मिटी लाए। इसलिए कोई सरकार, देखो अभी 5G टेक्नोलॉजी देश में इंडिजिनस बन गई। किसने बनाया? 5 आईआईटी और सी डॉट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मेटी के एक इंस्टीट्यूशन सी डॉट, उन्होंने बनाया। ये तो सब क्वालिटी के लोग थे। इसलिए हम एक स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने थोड़ा आईएम एक्ट को थोड़ा अमेंड किया है, लेकिन इनकी एकेडमिक ऑटोनॉमी, एकेडमिक फ्रीडम जैसे था उसे ज्यादा रहेगा। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप चुनाव लेके अकेला लड़ेंगे ना बीजेपी, या कोई छोटी मोटी कोई पार्टी यहाँ भी ढूंढेंगे आप? देखो हमारा एनडीए है, हमारा एनडीए को भी इस बीच में 25 साल पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 2024 के चुनाव लड़ेगा। 350 मैं आज कह के जाता हूँ, 350 से ज्यादा सीट एनडीए को आएगा। मैं असेंबली की बात करती हूँ, असेंबली का चुनाव भी साथ में होने वाला है, उसमें आप वहां तो एनडीए यहाँ तो बीजेपी है, या दो ही पार्टी। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में कल तक इंतजार करिए। क्या बोला? कल पूछ लीजिए पहले। नहीं उसमें बीजेपी, अरे मैं पिछले हमारे, ये तो मैं आपको इस बार फंसूंगा नहीं। आप इतने, आप कल तक, कल कंक्लूडिंग सेशन तक पूछ ही लीजिए, गलत जगह पे पूछ रहे हो। दिलीप भाई बैठे हैं साक्षी हमारे, गलत जगह पे पूछ रहे हो। कल इलेक्शन में कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, कल पूछ लीजिएगा। नहीं आप ही पूछो। कौन सा वाला? कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का फेस कोई होगा यहाँ के? नहीं आप जैसा? नहीं हमारा तो देखो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों में, हम अपना फॉर्मूला क्यों आपको भी बताएं? हमने महाराष्ट्र में जीता बिना चीफ मिनिस्टर के नाम पे, हमने हरियाणा में जीता, यहां भी जीतेंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगे।